हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम। टुडेज आवर सब्जेक्ट इंग्लिश। आज स्टूडेंट्स हम इंग्लिश में पेपर के अकॉर्डिंग असाइनमेंट की प्रैक्टिस करेंगे। तो स्टूडेंट्स चलो स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन कौन सा है, राइट स्मॉल लेटर्स ए टू जेड। हमें क्या करना है, स्मॉल लेटर ए टू जेड लिखना है। तो चलो स्टूडेंट्स स्टार्ट करें। ए फॉर एप्पल, B for ball, C for cat, D for dog, E for elephant, A for fish, G for grapes, H for horse, I for ice cream, J for joker, K for kite, L for lion, M for monkey, N for nest, O for orange, P for pencil, Q for quill, R for rat, S for sun, T for tiger, U for umbrella, V for van, W for watch, X for Xmas tree, Y for yacht और Z for zebra। तो students हमने कितनी अच्छी तरीके से small letter A to Z की practice की। तो स्टूडेंट्स अब हम क्वेश्चन नंबर टू, लुक एंड राइट वर्ड्स। हमें वर्ड्स दिए हैं, उसको देख देख के लिखना है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। बी ए टी बैट, तो इधर भी हम लिखेंगे बी ए टी बैट। उसके बाद क्या है स्टूडेंट्स, आई एस इज। तो लिखो स्टूडेंट्स आई एस is। उसके बाद है C A T cat, तो लिखो C A T cat। उसके बाद है I T eat, तो लिखो students I T eat। उसके बाद क्या दिया है, F A N fan, तो लिखो F A एन फैन। उसके बाद है एम ए पी मैप, तो लिखो एम ए पी मैप। उसके बाद है टी ओ पी टॉप, टी ओ पी टॉप। उसके बाद क्या है, एच ओ टी हॉट, एच O T hot। उसके बाद है T O Y toy, T O Y toy। उसके बाद क्या है, H U T hut, तो लिखो H U T hut। उसके बाद है N U T nut, N U T nut। उसके बाद है P E N pen, P E N pen। उसके बाद है L E G leg, L E G leg। उसके बाद है एल आई पी लीप, एल आई पी लीप। उसके बाद है एम ओ पी मॉप, एम ओ पी मॉप। उसके बाद है एल आई डी लीड, एल आई डी
लीड। तो स्टूडेंट्स हमने कितनी अच्छी तरीके से लुक एंड राइट वर्ड्स किए। अब स्टूडेंट्स हम एक्सरसाइज नंबर क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे। राइट द फर्स्ट स्मॉल लेटर ऑफ द गिवन पिक्चर। हमें जो पिक्चर दिया है उसका हमें नीचे फर्स्ट लेटर लिखना है। तो चलो स्टूडेंट्स स्टार्ट करें। विच पिक्चर इज दिस? एस फॉर सन। तो इधर हम लिखेंगे स्मॉल लेटर एस। फिर है बिफोर बॉल, तो हम इधर लिखेंगे स्मॉल लेटर बी। उसके बाद आई फॉर आइसक्रीम, तो हम इधर लिखेंगे स्मॉल लेटर आई। उसके बाद है स्टूडेंट्स एफ फॉर फिश, तो हम इधर लिखेंगे स्मॉल लेटर एफ। उसके बाद है के फॉर काइट, तो इधर हम लिखेंगे स्मॉल लेटर के। फिर है डब्ल्यू फॉर वॉच, तो हम लिखेंगे स्मॉल लेटर डब्ल्यू। उसके बाद है वी फॉर वैन, तो हम लिखेंगे स्मॉल लेटर वी। उसके बाद है एम फॉर मंकी, तो हम इधर लिखेंगे स्मॉल लेटर एम। उसके बाद है सी फॉर कैट, तो हम लिखेंगे स्मॉल लेटर सी। फिर है एन फॉर नेस्ट, तो हम लिखेंगे स्मॉल लेटर एन। तो स्टूडेंट्स हमने कितनी अच्छी तरीके से क्वेश्चन नंबर 3 की प्रैक्टिस की। આ તો નતો ને જલ તો નતો ને મને આવો લાગે જાડે આવો તો હા તો જલ ના બા હતા જાડા આવ્યા હતા ડોહી માં હા તો એ તો જલ ના બા હતા જાડા આવ્યા હતા ને ડોહી માં તો એ તો જલ ને જલ ના બા હમણાં હું પૂરો થાવ દે વિડિયો પર પૂછું જલની મમ્મી તમ પણ એવા સમાચાર લઈ આવો કાંઈ હારા ન લઈ આવો મને મારો તો રસ્તો મળ્યો કે હું હા બોલો બોલો માં ખબર નહીં બોલો માં